Welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. आजकल एप्पल मेरा फेवरेट स्नैक है बिकॉज पहले मैं जंक खाती थी. अभी भी जब भी भूख लगती है तो आई ग्रैब एन एप्पल और मे बी जो भी फ्रूट घर पे है. सो मैंने कल फाइनली निखिल का घर देख लिया नया वाला, विच इज़ गोइंग टू बी आर फ्यूचर होम. इट इज़ सो 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 ब्यूटिफुल. लाइक आई वॉज रियली हैप्पी. और जैसे मैं घर में एंटर किया सो आई फेल्ट लाइक मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ. ऑल ऑफ अ सडन मुझे जैसे लगा इट लुक्स लाइक द कतार वाला होम्स, बिकॉज मैं कतार में गई हूँ एंड आई हैव सीन हाउसेज लुक जस्ट दैट वे. एंड जो US के घर होते हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा था. द व्यू वॉज जस्ट अमेजिंग. आई वॉज रियली हैप्पी. आई एम सुपर एक्साइटेड. इट्स सो प्रिटी. Don't drop your phone. If यहाँ से गिरा तो कुछ नहीं बचेगा. कुछ नहीं बचेगा. This is such a beautiful house. Really? It feels like you bought me to Qatar, though. हाँ, मैंने ब्लॉग में बोला फुल कतार है. पूरा कतार वाला स्मेल भी आ रहा है और सब जैसे दिखता है ना कि कतार जैसे लग रहा है. Thank you, yeah, especially me. By the way, ये पकड़. Congratulations for your new house. Thank you so much. को लगता है यहाँ पे हमारा फ्रिज फिट होगा. ओके, इतना बड़ा फ्रिज अपना ज्यादा है, एक उंगली से ज्यादा बड़ा फ्रिज है. तो अगर नॉट लाइक दिस वी कैन फिट लाइक दिस स्ट्रेट तो ये प्रॉपर ऐसा खुल जाएगा, मतलब आ जाएगा, टेंशन नहीं है. बट आई एम हैप्पी टू सी दिस हियर. मैं मॉम मॉम नहीं कर रही. गुड. हाउस एक्चुअली बहुत ही ज्यादा प्यारा है. नीति की मम्मी का चॉइस बहुत अच्छा है. इतना प्यारा घर है. आई मीन कितना कुछ कर सकते हैं. आई एम सॉरी टू से बट जो लड़की लोग का दिमाग रहता है ना, वो घर बनाने में बहुत ज़्यादा चलता है. सो आई कैन इमेजिन हाउ दिस हाउस विल लुक वंस यू पुट एवरीथिंग इन. आई एम श्योर कि आप लोगों ने अभी तक तो निखिल के नए घर का हाउस टूर वीडियो देख लिया होगा. इफ़ यू गाइज हैवन वॉच्ड इट, गो वॉच. अभी निखिल का काम खत्म हो चुका है. दैट मीन्स ही बॉट द हाउस एंड इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पूरे घर को बनाऊँ और उसमें सब कुछ डालूँ. आई मीन कैसा था कि निखिल का हमेशा सपना था कि बिफोर ही वुड गेट मैरिड टू मी ही वॉन्ट्स टू बाई अ न्यू हाउस, हिज ड्रीम हाउस, जो फाइनली कर लिया उसने. एंड मैंने उसको तभी बोला था दैट व्हेनेवर यू बाय द हाउस सिर्फ घर लेना तेरा काम है और बाकी सब कुछ कराना मेरा काम है. मतलब अप्लायंसेस हो गया, पूरा घर का इंटीरियर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, जो जो कराना है उस घर में अभी सब कुछ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि निखिल ने कभी उस चीज़ के लिए मना नहीं किया. पहले उसने बोला कि यार लड़के करते हैं, बट देन आई टोल्ड हिम आई वॉन्ट टू बी इक्वली पार्ट ऑफ दिस, तो प्लीज़ मुझे करने दे. बिकॉज आई थिंक मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ और मैंने पैसे सेव किए इस चीज़ को करने के लिए. और हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने फ्यूचर वाले घर को अपने हाथों से बनाए सजाए. आई रियली वॉन्ट टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ हिम बिकॉज मुझे लगता है कि एज वी स्टार्ट आर न्यू लाइफ हम दोनों को इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने चाहिए. सो आई वॉन्टेड टू टेक ऑफ द लोड फ्रॉम हिज शोल्डर्स इज वेल. आप लोग दो दो हाउस टूर वीडियोज़ देखने वाले हो. पहला तो हो चुका है जो खाली हाउस टूर है और जब घर बन जाएगा उसको महीने लग जाएंगे, लेकिन जब घर रेडी हो जाएगा कम्प्लीटली तो फिर से आपको एक पूरा अच्छा वाला हाउस टूर देंगे विथ everything done. I can't tell you guys how excited I am to like do up the house. मतलब मुझे interiors करने में और interior decoration करने में बहुत ज़्यादा interest है. And I think I'm going to give my best shot to this house. So I'm very very excited. आप लोगों को तो पता होगा कि एक नया घर पूरा scratch से set करने के लिए बहुत time लग जाता है. It takes months and months and months. इसलिए हमने अभी से ही सारा काम शुरू कर दिया है. दो दिन पहले ही मैंने सारे घर के appliances को book कर दिया है. So today is the day we came to book the appliances. We are making the payment for the first set of things for our home together. पहला सामान जो मिल रहा है मैंने निकल बोला तू लेके चले जा, तो वो कल शेल्फ में रख देगा. एंड उसके बाद आयरन फ्री मिल रहा है. ये आयरन, ये देखो प्रेस. जब अपने पैसे से चीज़ें खरीदते हैं फ्री मिलता है बहुत खुशी लगती है. मूड में जगह नहीं है. आएगा क्या भैया? नहीं आएगा, नहीं आएगा. थैंक यू.
कुछ दिनों में दिल बी डिलीवर्ड. पहला सामान जो है ऑलरेडी अंदर रख दिया है किचन में निखिल ने, जो आपने देखा था ब्लॉग में, द फूड प्रोसेसर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक फूड प्रोसेसर खरीदूँ वेन एवर आई एम गेटिंग मैरिड, बिकॉज इट मेक्स द होल प्रोसेस सो ईजी. एंड उसके अलावा बाकी जो भी बेसिक अप्लायंसेज है वो बुक कर लिया है, तो बहुत ही जल्द वो भी डिलीवर हो जाएगा. एंड देन वील स्टार्ट द इंटीरियर वर्क टू. तो बहुत कुछ करना है, आई एम गोना बी बिजी लाइक क्रेजी, बट आई थिंक दिस इज़ इट, दिस इज़ द जर्नी दैट मेक्स यू हैप्पी. एंड जर्नी में ही मज़ा होता है, तो आई एम गोइंग टू इन्जॉय दिस टू द फुलेस्ट, बिकॉज आई थिंक ये फेज जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, एंड विल बी मैरिड एंड ऑल, वी विल लुक बैक एट दिस फेज एंड बी सो हैप्पी कि इतना मज़ा आया था, सेट दिस हाउस एंड एवरी थिंग. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी. एंड नहीं पता क्या 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 करना है अभी, सो लेट्स सी. कटिंग कैसे हो गया? हो गया मतलब खड़े खड़े हो जाता, ठंडी में होता है ना, हवा पतली. तूने मेरे गाड़ी की हवा निकाल दी. वाह, निकाल दो अभी. मेरी मशीन एक्चुअली 36 होना चाहिए, बट आई थिंक 27 इज गुड, एटलीस्ट ड्राइवेबल कंडीशन. डोंट कीप इट सो लेस, ऑलवेज कीप योर चेक योर टायर, इट्स वेरी अनसेफ टू ड्राइव कार विद लेस पीएसआई. यस, वैसे भी हम दोनों ही चलाते हैं गाड़ी, मतलब निखिल चलाता है, मैं बैठती हूँ गाड़ी में, बिकॉज हमारा लेट नाइट ड्राइव चलते रहता है. पूरे दिन काम करो फिर रात को साथ में घूमो. आइसक्रीम डेट, लेट नाइट आइसक्रीम डेट. एंड ये जो पॉप्सिकल है ना, इट्स नेचुरल एंड शुगर फ्री, इसलिए हम खा रहे हैं. रात के 1 बज गए और हम वापस घर आ गए. वाज अ प्रीटी नाइस डेट विद निखिल. आजकल हमारा यही चलता है, पर मुंबई में रात को ही घूमने में मजा आता है. क्या वेदर है, विंटर का मजा मिलता है ना. इतने साल पहले बैंकॉक से ये लिया था, आज पहन रहा हूँ. फिट भी हो गया. वाह, ये फिट तो पहले से था, बट पहले अजीब फिटिंग थी, अभी परफेक्ट फिटिंग है ना. चल चल, गुड नाइट, बाय बाय. अभी ठंडा ठंडा लगेगा आ रहे के. बाय बाय. आज सुबह से आई हैव बीन ऑन द फोन, मतलब मैं पेंटर से, पीओपी वालों से, कारपेट वालों से, किचन वालों से सबसे बात करी थी टू गेट द वर्क स्टार्टेड. तो उसी में टाइम निकल जाता है, तो आई एम टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल ताकि मुझे पूरा आइडिया मिले कि कहाँ से सबसे बेस्ट वर्क और सबसे अच्छे दाम में हो रहा है. बेस्ट पार्ट है फाइनली 18 तारीख को आई थिंक आइकिया खुल रहा है नवी मुंबई में. Couldn't have been a better timing because I'm looking to buy the furniture for that house. IKEA is literally the best option. तो मैं बहुत ज़्यादा happy हूँ. तो मैं अपने आप के लिए register करने वाली हूँ 10 तारीख को, ताकि I can go there and I can actually shop my heart out. 2.5 weeks में it's Christmas, so I thought I have to bake. मैंने last time भी brownies बनाया था, coconut cake बनाया था. इस बार आई एम गोइंग टू मेक ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज बिकॉज आई एम नॉट कंज्यूमिंग शुगर, ना ही निखिल इतना शुगर कंज्यूम करता है, एंड वी आर लुकिंग फॉर हेल्दी ऑप्शंस. लेकिन क्रिसमस बहुत ज़्यादा स्पेशल है, सो आई कैन नॉट मिस आउट ऑन द डिज़र्ट. तो अभी बैठ के मैंने पूरे सामान मंगाया, जो भी इंग्रेडिएंट्स मुझे लगेगा. आई थिंक ओट फ्लावर और आलमंड फ्लावर से बनता है ग्लूटेन फ्री कुकीज़. तो मैंने बोला कल आई एम गोइंग टू बेक देम, तो आई विल डेफिनेटली फिल्म दैट. लेट्स सी, पहली बार बना रही हूँ, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. And so guys, that's it for this vlog. I hope ki aapko ye vlog acha laga ho. I'm trying to share as and how things are happening in my life. So I hope you guys are enjoying it. If you did, don't forget to hit the like button. Do subscribe to my channel agar aap yahan pe naye ho. And I will see you guys in the next one. Until then, take care of yourselves, take care of the ones around you, and be kind.